हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम नेटवर्क रूटिंग प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से जानेंगे आइए शुरू करते हैं नेटवर्क रूटिंग प्रॉब्लम्स आइए देखते हैं कुछ डेफिनेशंस नोट्स ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स लिंक्स ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लाइंस कनेक्टिंग डिफरेंट पेयर ऑफ पॉइंट्स दीज लाइन्स आर कॉल्ड लिंक्स वी डिस्क्राइब ए नेटवर्क बाई नोटेशन एन एल वेयर एन इज़ द सेट ऑफ नोट्स एंड एल इज़ द सेट ऑफ लिंक्स ये एक नेटवर्क हमने लिया है नोट्स यहाँ पे हैं वन टू थ्री फोर फाइव और लिंक्स देखिए वन टू वन से टू वन से थ्री लाइंस के थ्रू हमने इनको शो किया है वन टू फोर टू टू थ्री फोर टू थ्री थ्री टू फाइव फोर टू फाइव एंड फाइव टू फोर कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं डायरेक्टेड लिंक ए लिंक इज सेट टू बी डायरेक्टेड इफ इट अलाउ अलाउस पॉजिटिव फ्लोज In one direction and a zero flow in the opposite direction. In the above figure, link 1 2 has flow in direction as indicated by link 1 2, but 4 5 has flow in both the direction 4 to 5 and 5 to 4 and is said to be undirected, while all other links in this network are directed. तो ये थे डायरेक्टेड लिंक्स और अनडायरेक्टेड लिंक्स तो यहाँ पे सिर्फ फोर टू फाइव और फाइव टू फोर आप देख रहे हो एक ही डायरेक्शन में खाली फ्लो नहीं है दोनों डायरेक्शन में हो रहा है इसको हम अनडायरेक्टेड फ्लो बोलेंगे और बाकी सारे इसमें जो फ्लो आपको आ, दिख रहे हैं नो, एक नोट से दूसरे नोट में लिंक्स के द्वारा जो हमने लिए हैं वो है सब डायरेक्टेड लिंक्स डायरेक्टेड नेटवर्क if all the links of the network are directed it is called directed network आइए जानते हैं पाथ पाथ इज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट लिंक्स दैट जॉइन टू नोड्स थ्रू सम अदर नोड यहाँ पे देखिए आप जैसे नोड टू नोड विथ हमने लिया यहाँ पे कि डिस्टिंक्ट लिंक्स हैं दैट जॉइन टू नोड्स थ्रू सम अदर नोड तो यहाँ पे जैसे आपका है वन और फाइव का लिंक है थ्री के थ्रू तो वन थ्री फाइव ऐसे ही वन टू थ्री फाइव ऐसे ही वन फोर थ्री फाइव भी है यहाँ से लिंक हो सकता है वन फोर थ्री फाइव तो इस टाइप से ये सारे आपके पाथ में आते हैं सीक्वेंस के फॉर्म में जहाँ पे कि अलग अलग लिंक्स को किसी और नोड के थ्रू हमने जोड़ा है ए डायरेक्टेड पाथ फ्रॉम नोड आई टू जे इज सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स हैविंग फ्लो टूवर्ड्स नोड जे जैसे वन थ्री फाइव एक डायरेक्टेड पाथ है ऐसे और भी आप डायरेक्टेड पाथ इसमें देख सकते हैं अब अगर है टू टू थ्री वन फोर तो ये डायरेक्टेड नहीं है देख रहे हैं आप यहाँ पे टू थ्री वन फोर ये डायरेक्टेड नहीं है जबकि वन टू थ्री फाइव अगर लेंगे तो वो डायरेक्टेड पाथ होगा साइकिल ए पाथ इज सेट टू फॉर्म ए साइकिल इफ इट कनेक्ट्स ए नोट टू इट्स सेल्फ थ्रू अदर नोट्स तो यहाँ पे आप आप लोग पहले डिस्क्रिप्ट में भी पढ़ चुके हैं हमको एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि साइकिल जो हो रही है आपकी वो कैसे हो रही है देखिए फोर फाइव देन अगेन फोर ऐसे ही एक और यहाँ पे साइकिल हो रही है थ्री फाइव फोर थ्री थ्री फाइव फोर थ्री ये भी एक साइकिल है जहाँ की नोड खुद से कनेक्ट हो रहा है अदर नोड्स के हेल्प से अदर नोड्स के कॉन्टैक्ट से कनेक्टेड नेटवर्क इट इज़ ए नेटवर्क वेयर एवरी टू डिस्टिंक्ट नोड आर कनेक्टेड बाई लीस्ट वन पाथ ये एग्जाम्पल्स हैं ट्री ट्री इज ए कनेक्टेड नेटवर्क दैट मे इन्वॉल्व ओनली ए सबसेट ऑफ द नोड्स ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग एनी साइकिल इन बिटवीन जबकि हमको स्पेनिंग ट्री का पढ़ना है तो स्पेनिंग ट्री जो है ए ट्री दैट लिंक्स ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क विद नो साइकिल अलाउड इज कॉल्ड ए स्पेनिंग ट्री तो ट्री में सभी नोड हो जरूरी नहीं है सबसेट हो सकता है नोड्स का नेटवर्क में और कनेक्टेड नेटवर्क होगा लेकिन स्पैनिंग ट्री में जो है लिंक्स इट लिंक्स ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क विद नो साइकिल अलाउड इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री लिंक कैपेसिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो दैट कैन पास थ्रू ए डायरेक्टेड लिंक इज कॉल्ड लिंक कैपेसिटी आइए अब जानते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम ये नेटवर्क डिजाइन का एक बहुत बड़ा पार्ट है कुछ करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम के करेक्टरिस्टिक क्या हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस और कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं आइए जानते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम के करेक्टरिस्टिक नोड्स आर गिवन लिंक्स आर नॉट गिवन But potential, potential links are given between nodes pair and the length for each potential link is given. To choose the potential link in such a way that there is a path connecting all the nodes and no node is left out unconnected. The chosen links provide a path between each pair of nodes in such a way.

डिज़ाइन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन्स डिज़ाइन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ पाइप लाइन्स टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ लोकेशंस डिज़ाइन ऑफ ए लाइटली यूज्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द लिंक्स रेल लाइन रोड एसेट्रा में तो देखा आपने बहुत वाइड इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है बहुत वाइड है कई जगह हम इसको यूज कर सकते हैं आइए अब देखते हैं कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम क्या है स्टेप वन स्टार्ट विद एनी कनेक्ट कनेक्टेड टू द नियरस्ट डिस्टिंक्ट टेक ऑल द नोड्स दैट हैव बीन कनेक्टेड स्टेप टू आइडेंटिफाई द अनकनेक्टेड नोड दैट इज क्लोजेस्ट टू ए कनेक्टेड या टिक्ड नोड and then connect these two nodes. Step 3 repeat step 2 until all the nodes are connected. The resulting network is a minimal spanning tree. तो हमको minimal spanning tree निकालने में आपको जो network दिया है, nodes दिए होंगे, आपको potential links दिए होंगे, तो हमको उनको टिक करते जाना है और स्पेनिंग ट्री है क्योंकि तो सारे आपके नोट जो है वो टिक होने चाहिए तो स्टार्ट हम किसी भी नोट से कर सकते हैं इसको उसके नियरेस्ट नोड से पहले हम जोड़ेंगे टिक कर, जोड़ेंगे मीन्स टिक करेंगे और इस तरह से हम जितने भी अनकनेक्टेड नोड हैं तो उनको उनके डिस्टेंस के हिसाब से मिनिमम डिस्टेंस देखते हुए कनेक्ट करते जाएंगे और ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक कि सारे नोट आपके टिक नहीं हो जाते देयर मे बी टाई फॉर द नियरेस्ट डिस्टिंक्ट नोड। स्टेप वन में जो हमने कहा कि हमको नीरेस्ट नोड को टिक करना है तो हो सकता है कि उसमें टाई हो तो उस केस में हम टाई को आर्बिट्रेरी चूज कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो हमारा सेम रहेगा आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम कंसिडर द फॉलोइंग नेटवर्क वे द नंबर ऑन लिंक्स रिप्रेजेंट एक्चुअल डिस्टेंस माइल्स में डिस्टेंस आपको दी हुई है जो हमको लिंक्स दिए हुए हैं बिटवीन द कॉरस्पोंडिंग नोट्स फाइंड द मिनिम स्पेनिंग ट्री तो ये आपको नेटवर्क दिया है ये नोट्स आप देख रहे हैं ओ ए बी सी ई डी टी ये हमारे नोट्स हैं ये जो लिंक्स आपके हैं पोटेंशियल लिंक्स हैं ये लेंथ दी डिस्टेंस दी हुई है आपको एक्चुअल डिस्टेंस है माइल्स में और हमको मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालना है तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं देखिए सबसे पहले हम आर्बिट्रेरी सेलेक्ट करेंगे नोड ओ को स्टार्ट करने के लिए अब इससे कनेक्टेड जो नोड है वो है ए बी और सी ठीक है तो हमको इसमें से जिसका भी डिस्टेंस सबसे क्लोज है ए के उसको टिक करना है तो अनकनेक्टेड नोड क्लोजेस्ट टू नोड ओ इज ए तो कनेक्ट नोड ए टू नोड ओ ओ से हम ए को कनेक्ट करेंगे कनेक्ट करेंगे मीन्स आप सबसे पहले इसको टिक करेंगे और ओ क्योंकि हमने आ, आर्बिट्रेरी पहले ही चूज किया है स्टार्ट करने के लिए तो ओ और उससे बाद ए ये दोनों टिक हो जाएंगे ये देखिए इसको हमने ब्लैक लाइन भी कर दिया पोटेंशियल लिंक के लिए कि आपको ये क्लियर हो जाएगा अब हमको आगे शुरू करना है द अनकनेक्टेड नोड क्लोजेस्ट टू आइदर नोड ए और नोड बी तो दो टिक नोड हैं तो दोनों से हमको बाकी जो उससे कनेक्टेड नोड हैं उनके डिस्टेंस देखने हैं तो ए से आप देखेंगे कनेक्टेड नोड तो बी है और है ए से डी ए से बी का डिस्टेंस टू है ए से डी का डिस्टेंस सेवन है ओ से बी कनेक्टेड है डिस्टेंस फाइव है ओ से सी कनेक्टेड है डिस्टेंस फोर है तो नियरेस्ट जो हमको दिख रहा है कम डिस्टेंस जो दिख रही है मिनिमम डिस्टेंस वो हमको दिख रही है टू ए से बी तो हम अब कनेक्ट करेंगे बी को ए से बी को और टिक करेंगे बी को तो कनेक्ट करा हमने बी को नोड ए से एंड टिक दिस नोड अब यहां से फिर हम अनकनेक्टेड जितने नोड्स हैं हमारे वो देखेंगे तो ओ से आपका बी अब टिक हो गया तो ओ से सी बचा है फोर है इसका डिस्टेंस ए से डी बचा है सेवन है डिस्टेंस बी से कनेक्टेड देखेंगे आप तो डी है बी से कनेक्टेड ई e है डिस्टेंस जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं बी से सी और कम है आपका वन है तो हम पहले सी को टिक करेंगे तो डिस्टेंस आपको देखना है तो यहां देखिए सेवन है डिस्टेंस जो जो टिक है सबसे देखना है हमको ये टिक हो गया तो बी से सी का डिस्टेंस वन है ओ से सी का डिस्टेंस फोर है बी से ई e का डिस्टेंस थ्री है तो इनमें सब में मिनिमम फोर वन थ्री फोर और सेवन तो इसमें वन मिनिमम है तो हम कनेक्ट करेंगे नोड सी को बी से तो ये हमने कनेक्ट किया सी को बी से अब बी को सी को भी हमने टिक कर दिया क्योंकि ये अब कनेक्टेड हो गया अब हमको सारे टिकड से बाकी की डिस्टेंस देखना है तो सी से ई e का डिस्टेंस है फोर बी से ई e का डिस्टेंस है थ्री बी से डी का डिस्टेंस है फोर ए से डी का डिस्टेंस है सेवन ठीक है तो यहाँ पे आप मिनिमम डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ई e, बी से ई e का डिस्टेंस है थ्री तो अब हम ई e को बी से कनेक्ट करेंगे नोट ई टू नोट बी ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया अब ये भी टिक हो गया ई e. अब फिर से जितने हमारे टिक्ड नोड हैं उनसे अनटिक्ड को हमको देखना है तो यहां तो आपके सब टिक हो गए बी से डी है अभी आपका ए से डी डिस्टेंस हमने देखा ई e से डी देखा E से टी भी हमारे पास डायरेक्ट है यहां से भी लिंक लेकिन यहां पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रही है वो दिख रही है ई e से डी तो हम कनेक्ट करेंगे डी नोड को ई e नोड से तो ये हमने कनेक्ट किया डी नोड को ई e नोड से और हमने टिक कर दिया अब आप देखिए डिस्टेंस अब आपको आगे लास्ट इस पे आ गए हमारा सिर्फ एक अनटिक्ड है तो डी से का डिस्टेंस फाइव है और ई e से टी का डिस्टेंस सेवन है तो ये डिस्टेंस आपकी कम है तो टी को हम कनेक्ट करेंगे डी से तो कनेक्ट नोड टी टू नोड डी ये जो हमको पाथ आपको दिख रहा है ये हमारा मिनिमल स्पेनिंग ट्री होगा सभी नोड जो हैं आप देख रहे हैं कि सभी टिक हो गए मीन्स हमारा कंप्लीट हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको मिल गया लेकिन जो मिनिमल हमको स्पैनिंग ट्री मिला वो कैसा मिला उसका पाथ देखिए ओ ए बी सी बी ई डी टी ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हुआ गिवन बाय द लिंक्स कनेक्टेड टू कनेक्टेड द नोड पेयर्स एज इंडिकेटेड ओ ए बी सी एंड बी ई डी टी मिनिमम लेंथ हुई लेंथ आप यहाँ से देखिए ओ से ए टू ए से बी टू बी से सी वन बी से ई थ्री प्लस वन प्लस फाइव ये सारी लेंथ हमने देखी है हमको लेंथ माइल्स में दी हुई है तो हमारा मिनिमल लेंथ आया 14 माइल्स अब यहाँ पे हमने जो नोड अपनी तरफ से चूज किया था सबसे पहले वो ओ लिया था तो ये आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं इनिशियल नोड जरूरी नहीं है कि आप वही से ही सेलेक्ट करें या आप वेरीफाई करके देख सकते हैं इसी एग्जांपल को किसी और को इनिशियल नोड सेलेक्ट करके अब देखते हैं हम शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम दीक्षशास्त्र शॉर्टेट पाथ एल्गोरिदम हम इस पे यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली और बहुत सही तरीके से शॉर्टेस्ट रूट निकाल सकते हैं द दीक्षास्त्र शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम वी कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ गिवन सोर्स टू ऑल नोड्स इन अ नेटवर्क एट द सेम टाइम बाय दिस एल्गोरिदम दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम द दीक्षास्त्र एल्गोरिदम इज लेबलिंग एल्गोरिदम

स्टेप वन लेबल द इनिशियल नोट जीरो डैश एज इट रिप्रेजेंट द ओरिजिन द डैश इंडिकेट्स दैट दिस नोड हैज नो प्रीसीडिंग नोड तो सबसे पहले जो जहां से हम शुरू कर रहे हैं लेबल करना इनिशियल नोड को हम देंगे जीरो और डैश डैश का मतलब है कि यह नोड सबसे स्टार्टिंग नोड है इसके पहले कोई नोड नहीं है और जीरो का मतलब है कि वो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन को नाउ एज नो फर्दर इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल टू दिस लेबल इट बिकम्स फाइनल सो वी इट दिस नोट टू इंडिकेट दिस नोट हैज बीन सॉल्व इसको फिर हमको टिक करना है स्टेप टू अपडेट द वर्किंग लेबल्स ऑफ ऑल अनटिक्ड नोट्स दैट कैन बी रीज डायरेक्टली फ्रॉम द लास्ट सॉल्व नोट तो जो भी लास्ट सॉल्व जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया तो ओरिजिन इनिशियल नोड को हमने ओरिजिन मानकर टिक किया तो इससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं उसको हमको लेबल करना है और फिर उसमें हमको देखना है थर्ड uh, स्टेप में हम उसके बाद आ जाएंगे स्टेप uh, थ्री में आपको चूज करना है अनटिक्ड नोड विद द स्मॉलेस्ट वर्किंग लेबल तो हमने जब लेबलिंग कर ली इनिशियल uh, नोड से जो हमने ओरिजिन लिया है उससे रिलेटेड उसे कनेक्टेड जितने भी आ, आपके अनटिक्ड नोड्स हैं उनको तो उसमें जो स्मॉलेस्ट वर्किंग लेबल है उसको हमको चूज करना है और उसको फिर हम फाइनल लेबल मानते हुए टिक करेंगे टू इंडिकेट दैट दिस नोड हैज बीन सॉल्व स्टेप फोर अपडेट इफ एग्जिस्ट द वर्किंग लेबल्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस नोड फिर जो टिक हुआ नोड उससे कनेक्टेड जितने भी हमारे नोड हैं उनके हमको अपडेट उसको हमको अपडेट करना है वर्किंग लेवल्स को रिपीट स्टेप टू अगला स्टेप जो हमारा है फाइव रिपीट स्टेप टू थ्री एंड फोर अंटिल द डेस्टिनेशन नोड इज द वर्किंग लेबल फॉर द डेस्टिनेशन नोड इज ऑलवेज इट्स बेस्ट लेबल as दिस नोड does नॉट लीड टू एनी फर्दर node द शॉर्टेस्ट रूट कैन नाउ बी फाउंड बाय ट्रैकिंग बैक तो लास्ट नोट तक जब हम पहुंच जाएंगे तो हमको जो आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है वो बैक आके ट्रैकिंग बैक से बताना है अभी हम इस पे बेस प्रॉब्लम देखते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यूज दीक्षास्त्र एल्गोरिदम टू डिटरमाइन ए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ओ टू टी फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क यह नेटवर्क हमको दिया है ओ है ए बी सी ई डी टी ये डिस्टेंसेस हैं अब यहाँ पे देखिए स्टेप वन तो सबसे पहले हम एक नोट को स्टार्टिंग नोट मानते हैं तो यहाँ पर हमने लिया है लेबल द स्टार्टिंग नोट ओ एज जीरो डैश एज इट इज ओरिजिन मार्क दिस लेबल एज फाइनल सो टिक ओ तो हमने ओ को टिक कर दिया और इसको लेबल हमने किया जीरो डैश अब ओ से रिलेटेड जितने भी अगला जो स्टेप है हमारा ओ से रिलेटेड जो नोट हैं उनको हमको लेबल करना है तो ओ से रिलेटेड है यहाँ पे ए बी और सी तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा नाउ नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टिक नोड दैट इज नोड ओ आर ए बी एंड सी वी लेबल ईच वन ऑफ देम तो ए का लेबल देखिए आप टू है डिस्टेंस पोटेंशियल लिंक हमको जो दिया है वो टू है तो जीरो यहाँ पे जीरो आपने लिया था उसकी जगह टू हो गया और ओ से कनेक्टेड है इसलिए ओ हो गया 5 ओ और सी का आपका हो गया फोर ओ ये ओ है इसको आप कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमारा पहला नोड ओ है तो ये ओ है तो ये तीनों कनेक्टेड हैं इसमें से हमको स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेबल देखना है तो स्मॉलेस्ट लेबल जो है वो ए का है तो अगला जो हमारा टिक होगा वो होगा नोड ए तो यहां पे देखिए हमने नोड ए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है इसको लिया और टिक कर दिया मीन्स दिस नोड हैज बीन सॉल्व अब हमको अपडेट करना है और लेबल करना है अपडेट कैसे करना है आपको कि ए से कनेक्टेड और ओ से कनेक्टेड तो हमने लिख लिए थे डिस्टेंसेस अब ए से कनेक्टेड जो नोड्स हैं उनकी डिस्टेंस अगर पहले से लिखी हुई के लेबल से डिफरेंट होती है तो हम उसको अपडेट करते हैं जैसे ओ से बी हमने लेंथ लिखा था लेबल किया था वो था फाइव ओ अब ए से कनेक्टेड आप देखेंगे तो डी तो सेवन प्लस टू डिस्टेंस हो गई नाइन नाइन और क्योंकि ए से लिंक को कनेक्ट हो रहा है ये नोड कनेक्ट हो रहा है तो नाइन ए यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये है टू प्लस टू फोर बी तक लेकिन ओ से जब कनेक्ट था बी तो उसका ए, उसका जो डिस्टेंस था वो फाइव था तो क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमको मिनिमल मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है मिनिमम लेंथ निकालना है तो क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कम हो रही है लेंथ तो हम फाइव ओ की जगह इसको अपडेट करके करेंगे फोर ए यहाँ से टू प्लस टू और ये पहले लिंक था ओ से अब ए से बी बी जो है वो ए से लिंक होगा तो फोर ए अब फिर से हम डिस्टेंस देखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए जब आप टिकड नोट से डिस्टेंस देखेंगे तो सी का डिस्टेंस ओ से जो है फोर है फोर ओ और यहाँ पे फोर ए तो दोनों में आर्बिट्रेरी चॉइस है हम चाहे तो ये टिक कर सकते हैं चाहे तो ये तो हम फोर ए को ये डिस्टेंस क्योंकि ज़्यादा है आपकी नाइन ए है तो इसको टिक नहीं करके स्मॉलेस्ट हम मान लीजिए बी को टिक कर रहे हैं सो नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू नोड ए मीन्स लास्ट टिक था हमारा ए आर बी एंड डी तो कंप्यूट और अपडेट द वर्किंग लेबल फॉर बी एंड डी तो ये हमने कर दिया बी को हमने टिक कर दिया अब बी से देखिए कनेक्टेड तो बी से अगर हम सी का देख रहे हैं तो फोर प्लस वन फाइव बी आ जाएगा यहाँ पे लेकिन पहले से डिस्टेंस क्योंकि फोर ओ है तो ज्यादा हो रही है डिस्टेंस हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो हम यहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे अपडेट नहीं करेंगे बी से ई e कनेक्टेड है तो डिस्टेंस फोर प्लस थ्री तो ई e को अगर हम बी से कनेक्ट करते हैं तो डिस्टेंस हो जाएगी सेवन बी अब ए से पहले पिछली बार जब हमने कनेक्ट किया था डी को तो डिस्टेंस थी नाइन सेवन प्लस टू नाइन ए आप अगर D से हम B कनेक्ट करते हैं तो डिस्टेंस आपका जो हो जाएगा वो टिक नोड से तो वो हो जाएगा 4, क्योंकि B का 4A है तो 4 प्लस फोर मीन्स एट बी तो हम इसको क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी कम हो रही है तो हम इसको डिस्टेंस को एट कर देंगे और नोट बी से कनेक्ट होने पर ये एट डिस्टेंस हमको मिल रही है इसलिए यहाँ पे आप इसको अपडेट करके लिखेंगे एट बी अब हम मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस मिनिमम है इसमें इसकी जगह हम आ, अगर बी के साथ इसको अपडेट करते तो फाइव डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती इसलिए अगला नोट जो टिक होगा हमारा वो होगा सी ये देखिए सी अब सी से हम कनेक्टेड देखेंगे तो ई e है लेकिन सी से पहले बी कनेक्ट जब हमने किया था तब उसको हमने लेबल किया था सेवन बी था अब यहाँ से आप देख रहे हैं सी से अगर हम इसको देखते हैं तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा एट सी तो एट क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी सेवन एट डिस्टेंस सेवन से ज़्यादा है हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो इसको भी हम अपडेट नहीं करेंगे ये ऐसे ही रहेगा तो अब हमको जो टिक करना है तो आप देख रहे हैं अब टिक होगा आपका ई e. इसी प्रोसेस को हम करते जाएंगे आगे के दोनों नोड आपको बता देते हैं टिक करना ई e को हमने टिक किया ई e से कनेक्टेड है आपका डी तो आप देख रहे हो सेवन प्लस वन एट तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे अगर डिस्टेंस कम होती तो हम चेंज करते ई e से कनेक्टेड है टी तो डिस्टेंस हो गया सेवन प्लस सेवन तो फोर्टीन ई e. ये हमने टिक कर दिया इसके बाद फिर से आप डी से टिक को अगर आप देखेंगे यह टिक हमने लास्ट में प्रोसेस को पूरा करने के लिए कर दिया क्योंकि आप अभी तक प्रॉब्लम समझ गए होंगे इसलिए तो यहाँ से एट प्लस फाइव करेंगे तो थर्टीन हो जाएगा तो हमने इसको अपडेट किया थर्टीन डी और फिर टिक किया तो यह अपडेशन हो गया जब फोर्टीन ई था इसको जब डी टिक हुआ एट बी क्योंकि दोनों डिस्टेंस में आपको ये डिस्टेंस कम थी तो इसको हमने टिक किया नोड को तो यहाँ से जब आपने इस लास्ट टिक नोड से जब टी को देखा डिस्टेंस तो ये आपको मिले थर्टीन डी एट प्लस फाइव थर्टीन डी तो हमने इसको अपडेट कर लिया अब ये टिक हुआ नोड अब जब देख रहे हैं आपकी यहाँ पे सारे नोड हमारे टिक हो गए मीन्स हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ अब हमको ट्रैकिंग बैक करना है देखने के लिए तो देखिए यहाँ पे जब हम आ, आपको आ, मिनिमम पाथ निकालना है तो यहाँ से शुरू करेंगे तो थर्टीन डी तो हम डी पे जाएंगे डी पे आपका है एट बी तो हमको बी पे जाना है बी पे आपका है फोर ए तो हमको जाना है ए पे और ए पे है टू ओ तो हमको ओ पे आना है मीन्स आपका ट्रैक कैसा हुआ देखिए टी से हम गए डी मीन्स डिस्टेंस है यहाँ पे फाइव फिर डी से आप आए बी मीन्स डिस्टेंस है फोर फिर बी से हम आए ए मीन्स डिस्टेंस है टू और ए से आप आए ओ पे डिस्टेंस है टू ये देखिए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड ओ टू टी इज फाउंड बाय बैक ट्रैकिंग T से 13 D था तो हम D पे आए D से 8 B था तो हम B पे आए B से 4 A था तो हम A पे आए और A से 2 जीरो था तो हम जीरो पे आए ज़ीरो मीन्स O ये O है एक्चुअली में O पे आए तो पाथ आपका हो गया O A B D T और लेंथ हो गई आपकी 2 प्लस टू प्लस फोर प्लस फाइव इक्वल टू थर्टीन तो आपने देखा बहुत इजीली दीक्षास्त्र एल्गोरिदम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं पाथ निकालने के लिए एल्गोरिदम आपको ध्यान रहना चाहिए तो आज के लेक्चर में हमने मिनिमम स्पेरिंग ट्री देखा दीक्षास्त्र एल्गोरिदम देखा इजीली आप नेटवर्क डिज़ाइन के प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको ट्राई करेंगे और प्रॉब्लम्स को एक बार और आप देख लेंगे अगर वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए हैं अपने लेक्चर के लिए प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहिए अगले लेक्चर में कुछ नया लेकर फिर आएंगे थैंक यू